नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो पे शुरू से अंत तक बना रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पास मिल सके, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। दुहिता का अर्थ क्या है, गाय का दोहन करने वाले, मतलब गाय का दूध निकालने वाला, तो गाय का दोहन करने वाले से अर्थ होता है दुहिता। अगला प्रश्न देखिए, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुरुगन। आंसर क्या है इसका, मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था, तो यह आएगा काश्य में। सांकेतिक जो सिक्के इन्होंने प्रचलित किए थे वो किस धातु से बने हुए थे, कांसे के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात को जीत कर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों तो इसका सही आंसर है कव्वाली शैली का, अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई, यह आएगा मगहर में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी, यह आएगा वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, यह का गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था, तो मार्को पोलो ने। नेक्स्ट है आपका, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों व्यास नदी को पुराने नाम से विपाशा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ये थी कौशाम्बी। क्या आंसर है, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यह आएगा उद्दन। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था, तो हर्यक वंश था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गोहत्या को बोध मतालंबी कहा क्या कहते हैं, तो आएगा महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। दोस्तों अमीर ए आखूर कहा जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था, ये जो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने चलाया स्थापना की थी और एक धर्माचार पाहुल को जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे, ये थे रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों खानवा का युद्ध होता 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही आंसर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र सूंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, यह महाभाष्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है, तो ऋग्वेद का है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है, ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, यह है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, उत्तराम चरित्रम के लेखक कौन है, उत्तराम चरित्रम के लेखक कौन है, वो है भवभूति। नेक्स्ट है,
महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अलबरूनी ने लिखी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था। नेक्स्ट है, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइज़ुद्दीन बहराम शाह ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो यह का मीर कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र सूंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र सूंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। अगला प्रश्न है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह का चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मेघसनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? एक 7 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे? दार्शनिक थे, कृषक थे, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों देखिए, कनिष्क की राजधानी जो थी पुरुषपुर या पेशावर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? यह का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, उन्होंने करवाया था। अगला देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। अगला है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये बलबन ने प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज ये बलबन ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? यह का विलियम बेंटिंक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो मौर्य वंश के शासन काल में बनवाया गया था। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो आएगा सोंग वंश के राज उसने हत्या कर सत्ता हत्याई थी जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अली नगर की संधि की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था?
नरेंद्र मंडल की स्थापना का जो सुझाव था ये किस में था, चैम्स फोर्ट सुधारों में था, चैम्स फोर्ट सुधार। अगला प्रश्न है धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था, यह का दादाबाई नौरोजी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था, मफरूज कहा जाता था, मफरूज। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी, हश्मे अतराफ कहलाती थी। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार बताया गया है कि अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका, नागभट। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श से जो है परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी। अगला देखें किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई, तो यह आएगा अहमद शाह है। किस शासक के शासनकाल में जो है बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित की थी और बीदर को बनाया था, तो अहमद शाह ने। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे, यह आएगा भीम प्रथम। नेक्स्ट है फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी, तो ईसामी ने 1350 में की थी। फुतुह उस सलातीन की जो रचना है ईसामी ने की थी 1350 के अंदर। अगला प्रश्न है आपका शातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों जैसे वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया, ये कहता नागनिका ने किया था। अगला है हाल ही में गाथा सप्तमी नामक जो ग्रंथ है ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई, तो प्राकृत भाषा में। हाल ही में एक गाथा है सप्तशती, सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है, तो प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कौन सा शासक प्रत्येक पांचवें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था, दोस्तों धार्मिक सम्मेलन किया करता था, तो यह आएगा हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन। अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में निर्मित है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर। अगला प्रश्न है आपका संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है, तोलकप्पियम ये किस विषय से संबंधित है, व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में एमपी के अंदर। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्व कर किस पर लगाया जाता था, सर्व कर ये सिंचाई पर लगाया जाता था दोस्तों, सिंचाई पर। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मखली गोशाल थे, मखली गोशाल। नेक्स्ट है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह आएगा दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में, दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में जो है अंग्रेजी शासनकाल के भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, तो 1919 में लागू किया गया था। अगला है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है, 58 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है वर्णावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं
और ये स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? यह कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक तथा आजीवक अविवाहित रहती थी, ऐसी कन्या को क्या कहते थे? तो अमाजू कहते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में जो है प्रसेनजीत नामक जो है राजा राज्य करता था, तो ऑप्शन नंबर प्रसेनजीत। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? इसका तो सही आंसर है कालाशोक। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? दोस्तों अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न देखिए, पुष्यमित्र सोंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो यह आएगा बृहद्रथ की। अगला है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों का जो के दल का विनाश जो है किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था, बलबन। अगला है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन होता था? तो इब्राहिम लोदी था। अगला है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा और सेना का एक भाग मुंगेर में था, दूसरा भाग बांकीपुर में और तीसरा नियुक्त किया गया था। तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था दोस्तों? इलाहाबाद में, जहाँ के अमरूद फेमस है, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपने बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। अगला देखिए, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? ये थे उस्ताद मसूर। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मसूर थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो यह आएगा भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है। अगला है, शारवाद का अर्थ है? तो शायद है भी और नहीं भी। शारवाद का अर्थ है शायद है भी या फिर नहीं भी। नेक्स्ट है, अकबर का शिक्षक कौन था? दोस्तों अकबर का शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। अगला है, शाहजहां ने महाकवि राय की पद्धति किसको दी थी? यह पंडित जगन्नाथ जी को, ऑप्शन नंबर ए पंडित जगन्नाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो ये था हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक शाहिद दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? देखिए हर्ष की पराजय जो है पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है। अगला देखिए, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया और कौन था? एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया था, ये कौन था? तो बलबन था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 राज्यों का उदय हुआ था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5 राज्यों का।
अगला है, मध्य काल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो यह आएगा विजय राज्य विधवा पुनर्विवाह है, विजय राज्य या फिर विजयनगर राज्य या फिर विधवा पुनर्विवाह है। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विज्ञान की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। अगला प्रश्न है, त्रिवनापल्ली के पर क्लाइव ने किसकी रक्षा की? यह का मोहम्मद अली की रक्षा की थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किससे दी गई है? ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है। अगला, यम द्वारा नचिकेता और उसके तीन वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? तो यह आएगा कंठोपनिषद। अगला देखिए, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो ये तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमोदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो यह आएगा चंद्रगुप्त का। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? बेल आइकन प्रेस करना होगा। अगला प्रश्न देखिए, कल्लण की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह था अंतिम शासक। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर में, सॉरी, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में है। नेक्स्ट, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है आपका तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा, तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकार के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो मनुची ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिले? यहगा रज्मनामा में, प्रसिद्ध चित्रकार थे दशवंत, के चित्र कहाँ मिले? तो रज्मनामा। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो आएगा महात्मा बुद्ध ने। अगला है, मृगदाब में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यहगा मीर बाकी ने करवाया था, मीर बाकी। अगला प्रश्न है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति और अर्जित की थी? तो यह आएगा भू राजस्व प्रबंध के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? दोस्तों, तो यह आएगा जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर और पाकिस्तान में है, लाहौर में है पाकिस्तान के अंदर। अगला देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यह आएगा आपका उत्तवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी में थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो यह आएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक नाम की उपाधि धारण की थी और उत्तमी पुत्र शातकर्णी, गौतम पुत्र शातकर्णी। अगला देखें, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता है? तो यह आएगा उत्तर 1/6 भाग। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा राजस्थान से। अगला देखिए, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है?
यह का देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला है बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया, तो यह चौथी संगति। अगला प्रश्न है पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, यह धर्मशाला। अगला है गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देव गुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो यह आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज्जे सिकंदर का प्रचलन करवाया था, तो एक आएगा सिकंदर शाह लोधी। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आपकी मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ध्यान रहे पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको रीड करना है शुरू से अंत तक और वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन देखिए, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ, तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जो है मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है अवध का अंतिम नवाब कौन था, अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित शंग युक्त शिरो वस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है, तो पशुपति शिव के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है, बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त है। अगला प्रश्न है संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, पशुओं की चोरी। अगला है मुगल भवनों की दीवारों पर आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरो कहा जाता था, और किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था, तो यह आगरा में इत्माद उद दौला के मकबरे में, या नूरजहाँ ने अपने पिता इत्माद उद दौला के मकबरे का निर्माण कराया था, और ताजमहल ने भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आपका, कृत्य कल्प तरु के लेखक लक्ष्मी धर भट्ट किस राजा के मंत्री थे, तो गोविंद चंद्र गहरवाल। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है अकबर ने अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रखी, ये बैरम ठाक के हाथों में रखी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1884 में कौन सा एक्ट पारित किया गया, तो पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था, तो कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, तो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था, शुल्काध्यक्ष। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी, सिंधु नदी के तट पर हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था, तो मेवाड़ की अधीनता। अगला प्रश्न है किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद द्वारा किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी, तो यह कि शिवाजी के शासनकाल में हुआ करती थी अष्ट प्रधानमंत्री परिषद। नेक्स्ट है मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था, साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था, मसूर ने किया था। अगला प्रश्न है जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था, तो ये बहमनी वंश का था जालिम हुमायूं। अगला प्रश्न है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलते हैं। नेक्स्ट है विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी, ये की थी बुद्ध घोष ने, विशुद्ध मार्ग की रचना की थी बुद्ध घोष ने।
अगला प्रश्न है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनी का शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा जाता था? तो यह आएगा लिनन के कपड़े को जो है क्षोम कहा जाता था। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब आगे चलते हैं, बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? तो सैन्य विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो अगर नवाब सिराजुद्दौला ने जो है कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैद अविस्ता से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र बुद्ध संघ और धम्म, बुद्ध संघ और धम्म। अगला देखिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम द्वारा रचित भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर नादिर शाह ए अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो हर्टाग समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं, चारों आश्रमों का सर्वोत्तम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालो उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध तथागत और शाक्य मुनि नामों से सुत पिटक धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध तथागत और शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो ये था हरिशेन। अगला प्रश्न है, दिल्ली में सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। अगला है, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंदी किसकी कृति है? तो यह अलबरूनी की कृति है दोस्तों, अलबरूनी की कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था में प्रवर्तक कौन थे? तो यह टोडरमल। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूर जहां के गुट के प्रमुख सदस्य थे। अगला है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आए थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? तो यह आएगा अजातशत्रु ने प्राप्त किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नत शलाका प्रकार के। अगला प्रश्न है, इतिहासकार प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में
सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो ये क्रमशः यूनान व ईरान के राजा थे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए सल्तनत काल में सदका क्या था? दोस्तों सल्तनत काल में सदका क्या था? तो इसका सही आंसर है एक प्रकार का धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? दोस्तों तो इसका सही आंसर है जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है उस्ताद मसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो आएगा जहांगीर। अगला है होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। अगला प्रश्न देखिए आपका पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में एरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? यह का पैडोक नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो यह का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बैरम खां के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों तो वो था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों ये थी आपकी गौतमी, ऑप्शन नंबर गौतमी। अगला देखिए श्री भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो ये भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। दोस्तों अगला प्रश्न है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये हाल ने की थी। राजा हाल जो है ये सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था और उसने गाथा सप्तशती की रचना जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कृष्णा प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर जगह शैव धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों अगला है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो यह आएगा चोसा का युद्ध में जो है शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला है आलमगीर टीला जो 1998 में पता लगा था कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट है आपका तोल वक्पियम किस युग की महान कृति है? यह है संगम युग की महान कृति। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो हरिशेण था। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? हरिशेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को जो है शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी रंगून में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? ये जाता है चार्ल्स नेपियर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? यह आएगा बलि। अगला प्रश्न देखिए संगम युग का ग्रंथ मणि मेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो यह आएगा बौद्ध धर्म की
श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, या क्या ग्रह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया, या दिव्यावदान से परित्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 का जड़ मूल से किसने विनाश किया, या 40 अमीरों का समूह जो था उसका जड़ मूल से किसने विनाश किया, तो बलवन ने किया था। इस 40 अमीरों के समूह में बलवन भी था। अगला देखिए, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद अली कुतुब शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था, बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था चांद बीबी का विवाह। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी। दोस्तों ये की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, उग्दाता कहते हैं। उग्दाता, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उग्दाता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आगम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, तो आएगा द्रविड़। अगला प्रश्न है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था, तो पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी है, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबादीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, तो ये आपकी तुर्की भाषा में है। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी, तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया, ऋग्वेद में दस्यु शब्द ये किसके लिए आया, अनार्यों के लिए आया है। नेक्स्ट है, समय युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया, काव्य शैली में लिखा गया है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों आगे देते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का जो सम्राट था वो था बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, तो धारा नगरी में थी परमार वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, महाबलीपुरम में से जो 7 रथ मंदिर है इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न देखिए, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो अल बरूनी ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ, तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेत माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ, तो सतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं, तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था, तो वो था आपका बाबर। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला जो शासक था बाबर। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा, तो आएगा सतारा के अधीन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में
प्रांतों की संख्या 5 थी और तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापक्ष की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो यह है गुफा संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापिलुपति को कहा जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, वराह मिहिर द्वारा रचित वृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सूलिक जाति का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोत्तुंग प्रथम को जो है करों को हटाने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? यह इद्रार। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वहां का शासक कौन था? तो जैमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। नेक्स्ट है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दीवान ए ईशा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था दोस्तों। अगला है, कश्मीर की मारतंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का उल्लेख किया गया है। अगला है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, PDF चाहिए या क्विज ज्वाइन करनी है तो openacademy.com पर विजिट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, मनु ए याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य माना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में किया था। अगला देखिए, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो ये वाकाटक राजवंश जो है वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। अगला प्रश्न देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? यह मुंगेर स्थानांतरित की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे।
अगला प्रश्न है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था तो अमीर खुसरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई, तो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई थी दोस्तों, सुरकोटड़ा। अगला है, संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकप्पियम का विषय है, तोलकप्पियम का तमिल व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था, बिंदुसार के दरबार में भेजा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है, तो अशोक को कहा गया है। अगला है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ, यह उपगुप्त के प्रभाव से जो है अशोक मौर्य का धर्म जो है परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है, तो सूर्य के लिए है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर सूर्य के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है, काश्य या फिर ताम्र युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था, इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिन पानहोक के पात्र हैं, तो यह है नागसेन एवं मेनांडर, मिलिन पानहोक के पात्र हैं नागसेन एवं मेनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे, तो तंजावुर के चोल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था, कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था, तो बलबन था। अगला प्रश्न है, रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया, तो महाभारत का अनुवाद किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है, सुत्कांगेडोर है। अगला प्रश्न देखिए, सुत्कांगेडोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया, तो गुजरात में खोजा गया, धोलावीरा गुजरात में खोजा गया है। अगला देखिए, किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, तो अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था, ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष जो है ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया, तो देवगिरीज का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तानों ने शर्की उपाधि को किस कारण धारण किया था, तो यह आएगा इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक मतलब पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला प्रश्न देखिए, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था, यागा अकबर ने किया था, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, ये था बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था,
वास्को डिगामा भारत पहली बार आया था 27 मई, सॉरी 27 मई 1498 को आया था, 27 मई 1498 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्ट प्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपत ब्राह्मण है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो आएगा अकबर को जो है राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये था खिजर खां, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो उत्तर भारत का जो ग्रंथ है उसको रज्मनामा नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो ताराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमदाबाद अब्दाली और किन के बीच हुआ था? तो मराठों के बीच हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मौर्य सामंत किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप जो है राजतंत्रात्मक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं, इंद्र की स्तुति में जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है तो उपनिषदों के लिए किया गया है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो ये कहना 1623 में, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था 1623 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखिए, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो यह आएगा औरंगजेब के साथ हुआ था, पहला मुगल जो पहला संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के साथ का सबसे पहला संघर्ष वो मुगल सम्राट थे औरंगजेब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बोध संहिता किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी दोस्तों। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में है, हड़प्पा संस्कृति संबंधित स्थल जो है रंगपुर ये किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुतूह ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? यह आएगा फिरोज तुगलक की आत्मकथा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी संप्रदाय जो है बिहार में अधिक लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? यह आएगा पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था, पल्लव वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? यह है कैलाश मंदिर। अगला है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये करवाया था औरंगजेब ने।
अगला प्रश्न देखिए, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? ये था बलि। अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम था बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? ये आएगा मक्खिल गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को जो है बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? इतने अहमदनगर की राजसेवा में। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? तो अहमदनगर की राजसेवा में। अगला प्रश्न देखिए, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में स्थित है? ये गंगानगर जिले में है, सॉरी ये हनुमानगढ़ में पड़ेगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ आएगा यहाँ पे, ना कि गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो अकबर ने जो है मजहर की घोषणा की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आएगा शाहजहां और औरंगजेब ने। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? वो था जहांगीर। अगला प्रश्न है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। पेशावर जो है ये बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध करने का केंद्र था। अगला देखिए, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो विजयनगर तथा बहमनी राज्य का साम्राज्यों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो वो था बाबर। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला जो शासक था वो था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? ये था जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखिए, कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को आमंत्रित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वो थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, मतलब 1773 में जो है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? यह आएगा जैमिनी। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? यह अंगुत्तर निकाय।
16 महाजनपद विद्यमान थे तो अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो वराह मिहिर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? तो यह का वृहत संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? सैन गुटवन लाल चेर को जो है अपना महान राजा बताया है। अगला प्रश्न देखिए, 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? तो यह का चामुंड राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। खैर उल मजलिस का जो लेखक है हमीद कलंदर है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो यह आएगा 1878 में लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना थे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न देखिए, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? तो प्रताप रुद्रदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद आए थे? तो लॉर्ड कर्जन के बाद इस पद पर आए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। अगला प्रश्न देखिए, सासाराम में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? अष्टांग मार्ग का पालन करने की जो शिक्षा है ये किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मसूर की राजधानी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो यह सिकंदर लोदी ने जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनीय संहिता है। अगला प्रश्न है, किस पश्चिम विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लीनी आएगा। एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो प्लीनी आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत ने खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था? तो ईरानिया ने स्थापित किया था, ईरानियों ने। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में हमने करीबन आपके 1000 MCQs जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गोधन को अंधा वंदा सुखदा कहा गया है, ये सुत निपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो लोहे से है। अगला प्रश्न है, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो वैलाम कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसने ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो दूध देने वाली गाय के लिए हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? शराय-ए-अदल कहा जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो मास्किया गुजरा अभिलेख से पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव पतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद चाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की रचना है। अगला प्रश्न है, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? ये रुद्रदमन फर्स्ट ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा को दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव जी। नेक्स्ट है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगला प्रश्न देखिए आपका, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो द्रविड़ शैली के खास अंग है। नेक्स्ट है, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो कनिष्क। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 में धारण की थी। दोस्तों, नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को जो है अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था, सतारा। अगला प्रश्न देखिए, सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो 1853 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने और गुरु हरगोविंद होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। दोस्तों, इलाहाबाद प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को, महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने इसकी आलोचना की? तो वर्णी ने की थी। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और ओपन एकेडमी पे आपको पीडीएफ और क्विज उपलब्ध करवाई गई है, तो वहाँ से आप openacademy.com ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ और क्विज ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सदाशिव राय भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टक्का और जीतल जारी किए? तो यह आएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली जो है साइमन कमीशन का प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान जो है महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिग्निकाय किस पिटक का खंड है? यह आएगा सुत पिटक का खंड है। नेक्स्ट है, अशोक काल में आहुत बोध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र तिश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनमाली में कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्ण या हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, अगला है, यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए।
अगला है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था, तो ये आएगा आपका हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का पतन एक कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था, तो अंतिम चरण में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए, तो अमीर खुसरो। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था, तो लाख बख्श था दोस्तों। नेक्स्ट है प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है, तो जावा है। अगला प्रश्न है दक्षिण के आलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे, तो विष्णु के तथा शिव के उपासक थे दोस्तों। अगला देखिए सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया, सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया था। अगला है औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था, तो आगरा शहर में रखा था औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके। अगला देखिए ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव और अष्टिम नेमी का उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है, तो कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है, मेयो देवता से की गई है। नेक्स्ट है किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के चार वर्ग थे, गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के चार वर्ग थे, ये नारद स्मृति से बताया गया है। अगला देखिए कल्पसूत्र के रचनाकार थे, तो भद्रबाहु थे। अगला देखिए दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था, तो वंदायु का प्रशासक था। अगला देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया, तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था दोस्तों। अगला है अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फुतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है, तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है दोस्तों। नेक्स्ट है अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। अवदान कल्पलता के रचनाकार कौन है, क्षेमेंद्र। अगला है प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाणियम किस संगम की रचित पुस्तक है, तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है दोस्तों। अगला है गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे, तो श्री गुप्त और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, ये है दिल्ली के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था, तो पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। अगला प्रश्न देखिए प्रवरसेन ने चार अश्वमेध किए थे, वह किस राजवंश का था, वाकाटक वंश का था ये अश्वमेध प्रवरसेन। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो मीर बख्शी। अगला है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद लिखित है, तो कठोपनिषद में। अगला है ऋग्वेदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, तो यह आएगा पुरोहित। अगला प्रश्न देखिए सिंधु पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था दोस्तों, तो 711 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसकी कृति है, हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम की कृति है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला देखिए दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, तो फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच सिद्धांति का बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं, यह है वराह मिहिर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी, तो उज्जैन की पश्चिमी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया, नागनिका और गौतमी ने शासन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए बौद्ध ग्रंथों में मिनेंद्र को किस नाग से अभिहित किया गया है, तो मिलिंद के नाम से अभिहित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है, गांधार शैली को कला की ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है।
अगला प्रश्न देखिए, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? ये विशाखा दत्त ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो शिव मत में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो यह आएगा जयचंद, कन्नौज का शासक था। अगला प्रश्न है, 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? एक तथाकथित गुलाम वंश का शासन था दोस्तों। अगला है, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ? तो कलानौर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूर जहां ने किस मुगल सम्राट को घोषित किया? तो शहर को घोषित किया था दोस्तों। अगला देखिए, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य है रामायण और महाभारत। अगला है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो यह है फाययान। अगला देखिए, बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 1175 ईस्वी में से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? यह अबू रेहान मोहम्मद, अबू रेहान मोहम्मद। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था दोस्तों। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। अगला है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को अपनाया था जैन मतावलंबियों ने। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क के संकेत मिलते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? मगध का नाम जो है गिरिव्रज था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोटिले के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष। अगला है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का वायसराय था। नेक्स्ट है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है दोस्तों। अगला है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज का जयचंद। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क जो उड़ीसा में है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ है? नरसिंह प्रथम। अगला देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हरकारा कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? आएगा वज्जी की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो मनुस्मृति में प्रदान किया गया है। अविवाहित स्त्री को पिता के पास और फिर विवाह के बाद पति के पास और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश दिया गया है। अगला देखिए, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब को जीत चुका था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। अगला प्रश्न है आपका, रुद्र द्रामन
रुद्र दामन के शासनकाल में कौन सा स्तर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी दोस्तों, उज्जैनी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानोर में राजाभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 14 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राजाभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग हुआ था। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समर शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? तो बाजीराव प्रथम के हाथों में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के अंदर इसमें क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे प्रश्न देखिए, 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो वो आएगा लॉर्ड इरविन के साथ में समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगसनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला देखिए, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन बताया गया है। अगला देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1175 ईस्वी से 1275 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न देखिए, तारीख ही फिरोजशाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बरनी ने की थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। अगला देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका से अग्निमित्र के रचनाकार कौन थे? तो कालिदास थे। अगला देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? यह गुप्तकालीन मंदिर कला का उदाहरण माना जाता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे देखिए, भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भगवत गीता में। नेक्स्ट है, दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था दोस्तों। अगला देखिए, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा था। अगला देखिए, प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था दोस्तों। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तुगलक वंशी नासिरुद्दीन महमूद शाह ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र थे। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में
हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है 100 युद्धों का विजेता माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी, ठीक है, कहमूद गजनवी नहीं है, महमूद। तो ये आएगा भीम प्रथम के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? तो जहांगीर का मकबरा, एतमादौला का मकबरा। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप एक बार वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, आपको 100% क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे इसके अंदर। तो प्लीज़ कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला देखिए, नंदवंशी राजा घनानन ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, उसका नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। अगला देखिए, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता था? तो दास वंश कहा जाता था या फिर गुलाम वंश। अगला देखिए, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था? तो कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, यह स्थल है? तो मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। अगला प्रश्न है आपका, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अगला देखिए, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो मनु स्मृति में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया है? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। अगला देखिए, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक दो बार किया गया? तो औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक दो बार किया गया था। अगला देखिए, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबरून ने किसकी संज्ञा दी? तो जेहाद की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अगला है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। नेक्स्ट है, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को चार श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? तो जो उनकी रचना के चार चरण भी माने जाते हैं, यह चार श्रेणियाँ हैं, तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, अबू रिहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? तो अल बरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां ने किसको एतमादौला की उपाधि प्रदान करवाई? तो अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को। अगला है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ का दुर्ग। अगला देखें, ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो एक बनमाली एवं कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का
आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो कौन है वह? नागार्जुन। अगला देखिए, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार ने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न देखें, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है? तो जमात खान मस्जिद है। अगला है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? तो गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में इनको जो है खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। अगला देखिए, किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो जहांगीर ने जो है फांसी की सजा दी थी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? तो दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। अगला देखिए, चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो राणा प्रताप का था। अगला प्रश्न है आपका, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। अगला देखिए, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था तो जिसके कारण किसानों राज्यों और जनता सभी को फायदा हुआ था? राजा टोडरमल ने शर्तों में सुधार किस शासक के काल में किए? तो शेर शाह के काल में किया था। अगला देखिए, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के पास थे। अगला प्रश्न है, नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, ये किसके काल में हुआ? तो चोल वंश के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो राक्षसी तगड़ी तालीकोटा। अगला है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर परिवार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री आपकी दी गई है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो आप कंप्लीटली वीडियो रीड करते तो आपके 100% क्वेश्चंस आपके राइट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे पूरा ध्यान लगा के पढ़िएगा वीडियो को ताकि आपके क्वेश्चंस लर्न हो सके और आपकी एग्जाम सफल हो सके। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मिलिन पान्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो ये आएगा नागसेन। अगला प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? संगम साहित्य का मुख्य विषय था युद्ध और प्रेम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो यह आएगा नागार्जुन। अगला है, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? यह आएगा राजेंद्र ने जो है सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु कहकर पुकारती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरगुन था, कालांतर में से कहा गया है? तो सुब्रह्मण्यम कहा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, तोलका पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो द्वितीय संगम काल से है।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो इसमें दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम लिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो विष्णु शर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था दोस्तों, गोपुरम। अगला देखिए, बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, लोदी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो यह कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोक कराई तथा राज्य के समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? तो यह आएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यत का वर्ण विषय क्या है? यह आएगा लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो वारंगल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 1853 ईस्वी से शुरू किया गया था दोस्तों। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यत ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था? मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था तो एथेनिसियस निकितन। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में व्हेनसांग ने कांचे की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो है कांचे की यात्रा की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया है? बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया है? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के अंग है तो विनय सुत और अभिधम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो को रचित खजाइन उल फुतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है दोस्तों? तो यह आएगा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी तो फारसी थी। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नामक तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? तो हर्ष ने की थी दोस्तों। अगला है, भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है? तो उत्खननों से प्राप्त नगरा अवशेष। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने जो है भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो जौनपुर को जो है
शिवराजी हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों आगे देखिए आपका ईरानी राजदूत अब्दर रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने राज के अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, तो विशाल स्नानागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था, शिशुनाग वंश था। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ ने चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है, तो मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था, बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है, तो शिल्पादि कारम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेसिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था, 634 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्ने बतूता किस देश से आया था, तो मोरक्को से आया था। दोस्तों अगला प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था, तो धोलावीरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, बृहदारण्य उपनिषद से प्राप्त होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था और इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है, रोमिनदेई है, इसका आधुनिक नाम रोमिनदेई। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब आगे चलते हैं कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी, तो मूसा को दी थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी, मूसा को। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है, तो त्रिभुज के आकार का है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है, तो वज्जी की राजधानी है वैशाली। अगला प्रश्न है मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल में औरार किन्हें कहा जाता था, संगम काल में औरार जो है ये जासूसों को कहा जाता था। दोस्तों नेक्स्ट है अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था, तो अल बरूनी का वास्तविक नाम था। दोस्तों नेक्स्ट है आपका मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था, जिनको उनकी बेटी ने एतमाउद्दौला की उपाधि दिलवाई थी, यह आएगा नूरजहां। मिर्जा ग्यास बेग जो है ये नूरजहां के मुगल सम्राज्ञी के पिता थे। अगला देखिए भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर और रोजती से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई है, तो यह आएगा लोथल एंड कालीबंगा से जो है यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है, तो सोम यज्ञ का वर्णन जो है सर्वाधिक बार किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की, सारनाथ में। अगला प्रश्न है पैगम्बर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई, तो मक्का से मदीना। अगला देखिए भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है
सैंधव स्थल चन्द्रद्रोण और कोटद्वीजी की किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के, तो ध्यान रहे कम्प्लीटली वीडियो आपको रीड करना है शुरू से अंत तक और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। अगला प्रश्न देखिए आपका, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया? सोम यज्ञ का वर्णन जो है सर्वाधिक बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? तो यह का कल्प सूत्र। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मारतंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो सिकंदर गाह और बुद्ध सिकन ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? तो यह आएगा मेवाड़ ने, मेवाड़ ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के सम्राट के पास सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था, क्या होता था? काजी उल कुजात। मुगल साम्राज्य के सम्राट के पास सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था, पद होता था काजी उल कुजात का। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो है 16 युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रुकनुद्दीन के बाद जो है यह है दिल्ली की सुल्तान बनी थी दोस्तों, रुकनुद्दीन। अगला प्रश्न देखिए, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? यह का इब्राहिम लोदी था। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इब्राहिम लोदी। अगला देखिए, तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? यह का अल बरूनी ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को ब्रह्मदेव कहा गया है दोस्तों, ब्रह्मदेव। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राज तरंगिणी की स्थापना की थी। क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो आएगा फिरोज तुगलक ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की थी? तारीख फिरोजशाही की जो रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? तो जहांगीर के संबंध में विस्तृत चर्चा की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख थे किन चार वर्गों में विभक्त थे? तो आएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये चार वर्गों में विभक्त थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों बता दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? चित्राक्षर लिपि जो है ये किस काल की है? सैंधव काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? ये थे वसुबंधु। अगला प्रश्न देखिए, चोल पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चोल पांड्य चेरों के संबंध में जानकारी जो प्राप्त है संगम साहित्य से प्राप्त होती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया?
शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? विक्रमांक देव चरित्र जो है ये किसकी रचना है? विल्हण की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज जो है एक सैन्य विभाग था दोस्तों, एक सैन्य विभाग। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मुस्लिम ग्रंथ हदीस का जो विषय है मोहम्मद साहब के कथनों तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। अगला है, बिंबिसार किस वंश के थे? बिंबिसार किस वंश के थे दोस्तों? तो हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्वी फिरदौसी तथा अल बेरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो महमूद गजनवी के दरबार के। अगला देखिए, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? चोल वंश का प्रथम जो शासक था वो था करिकाल। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन हुमायूं। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। अगला है, यूनानी राजदूत मेगस्नीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा था। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों से ने शासन किया है? दिल्ली सल्तनत पर किन किन वंशों ने शासन किया है? तो दास वंश ने, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने और सैयद वंश ने और लोधी वंश ने शासन किया है। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने शासन किया है दोस्तों। अगला है आपका, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? तो आएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा का प्रारंभ जो है सिख किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? तो ये बंगाल में जो है मौत के मुंह में चले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला कहा गया है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। अगला है, मेकियावली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? मेकियावली के प्रिंस की तुलना जो है भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की अवधि थी? तो अशोक के शासनकाल की अवधि जो है 273 से 232 ईसा पूर्व थी। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन का जो प्रतिपादन किया है वल्लभाचार्य ने किया है दोस्तों, वल्लभाचार्य ने। अगला देखिए, सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? ये था 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति जो है किस राजा से मानते? तो मनु वैश्वत से मानते हैं, मनु वैश्वत से। अगला प्रश्न है, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? रायचूर का दो आप से संघर्ष हुआ था। अगला देखिए, दिल्ली के सुल्तान ए चालीसा के दल के बीच संघर्ष किस मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात हुआ था। दिल्ली सुल्तान ए चालीसा के दल के बीच संघर्ष किस मृत्यु के पश्चात हुआ था? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट देखिए, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था, उसे कणिक के नाम से जाना जाता था।
यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो अजातशत्रु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों किस सैंधव स्थल में प्राप्त हुई है? तो आएगा कालीबंगा से। अगला है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ये थे रामानुज जी। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? तो पुत्रियों का होता था, प्रथम अधिकार पुत्रियों का। नेक्स्ट है, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है तो नारद स्मृति में। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो आएगा भू राजस्व दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो बंगाल। वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार, यह कथन किस संत का है? कबीर का है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है तो गविष्टि, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? कविष्टि। नेक्स्ट है, नाना घाट नासिक इस सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सात वाहन का उल्लेख करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो जैन मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? तो गुरु अंगद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशुचरित्र के लेखक कौन है? यह है रामराज जी। अगला है, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट या सम्राज्ञी ने किया था? तो अशमत बेगम ने किया था, गुलाब से इत्र निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने, सदाशिव राय भाऊ ने किया था। अगला देखिए दोस्तों, उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा कि इस वीडियो में आपकी मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए क्या, ताकि आपको जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस लर्न हो सके और आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिल सके। आगे चलते हैं, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? तो नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? यह नाट्य ग्रंथ, मालविका अग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? तो नाट्य ग्रंथ है। अगला है, कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है तो वियोग श्रृंगार का। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो ऐहोल अभिलेख में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? तो बाबर के लिए कहा गया है, एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धार्थ के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गौतम बुद्ध के जीवन की घटना कौन सी घटना थी? घर छोड़ने की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश जो है पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के चार प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। एगा तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। नेक्स्ट है आपका, किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? किस पल्लव विलास ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो महेंद्र वर्मन ने जो है मत विलास प्रहसन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो कनिष्क के दरबार में जो है वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? फिरदौसी ने जो है शाहनामा लिखा था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में हम आपकी मॉडर्न और एशियंट मेडिवल हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आपके, प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? ये पुतर्भू का। अगला है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? दान में दिए जाने वाले जो कर मुक्त ग्राम थे उनको अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या फिर बौद्ध ही सत्व की संगिनी को कहा जाता था? तो तारा कहा जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय की। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो कार्तिकेय की कथा जो है वर्णित है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अभिलेख या साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के इरण अभिलेख से मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रास तरंगिनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? यहगा गोपाल। रास तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के काल में पर राष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संख्या थी? तो आएगा सुमंत। नेक्स्ट है, इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था दोस्तों? तो आएगा ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं, यह कथन किसका है? यह बर्नियर का है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विशन दास जी। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण बौद्धता जैन मंदिरों विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। आगे चलते हैं, सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, तो क्या कहलाते थे? तो खोखर कहलाते थे। अगला प्रश्न देखिए, बहमनी राज्य में सद ए जहाँ किस विभाग का मुखिया होता था? तो यह है धार्मिक तथा न्यायिक मामले। नेक्स्ट है, बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लोह नीति के कारण। अगला है, वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? तो अर्जुन को संबोधित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्य से लिया जाने वाला एक कर। नेक्स्ट है, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो खुर्रम था। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का अर्थ है, हुमायूं का अर्थ क्या है? भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई है। टिप्पणी किसकी थी? तो स्टैनली लैंडपुल की थी।
अगला प्रश्न देखिए, फतुहात ए आलमगिरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक थे तो ईश्वरदास थे। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने दो मस्जिद बनवाई, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो बनवाई थी वो दिल्ली में बनवाई थी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बनवाया था अजमेर में बनवाया था। और भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलवन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था, उस विभाग का क्या नाम था, दीवान ए आरिस। अगला देखिए, महमूद के दरबार में अल बरूनी, फिरदोसी, उत्बी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदोसी द्वारा लिखित मस्जिद ग्रंथ का नाम क्या है, तो शाहनामा। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य के चार अवस्थाओं, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये चार अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है, चार महाचिन्ह कहे जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था, इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था, सिकंदर ने। नेक्स्ट देखिए, सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था, तो आएगा 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, सिंहली बौद्ध ग्रंथ के अंतर बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी, तो दंती दुर्ग ने की थी 753 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था, तो 1025 ईस्वी में जो है नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी, तो 1211 से 1236 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था, उस नगर का क्या नाम था, उस नगर का नाम था जहां बना है नगर। आगे है, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से ये जाना जाता है। दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली रीड करते हैं, कम्प्लीटली देखते हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, आप एग्जाम में परेशानी हो पाओगे, आपको हर क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या फिर अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया, यह शेर शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोत और सरदेशमुख की वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था, चोत और सरदेशमुख की वसूल करने के पीछे शिवाजी का जो मुख्य उद्देश्य था, वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे, वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। दोस्तों आगे देखिए, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है, लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्ध प्रांत माना जाता था, इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे, तो इसके समृद्ध बंदरगाह है और हस्तशिल्प। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजाओं के नाम बताइए, तो आएगा बिंबिसार एवं अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का जो शासक था वो था घनानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी, नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी, तो पश्चिमी शाखा निवास कर रही थी। आगे है आपका, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी, मथुरा कला के अंतर्गत जो है किस देवताओं की मूर्तियां बनती थी, तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों की मूर्तियां बनती थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाणक्य कौन था, उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, यह किस भाषा में लिखा गया था। चाणक्य कौन था, चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था दोस्तों। आगे देखिए, कलिंग कहाँ है, किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो कि कलिंग जो है ये महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। नेक्स्ट है, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी का था, तो कबीर अमीर खुसरो था, कवि अमीर खुसरो। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर जब आक्रमण किया गया था तो रणथंभौर के एक अभेद्य दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है, उलेमा से आप क्या समझते हैं, शासन पर उनका क्या प्रभाव था, देखिए उलेमा जो है ये मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, इस शासन पर उसका बहुत ही प्रभाव रहता था, इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था दोस्तों। आगे है आपका, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम क्या क्या है, तो रामानंद है, कबीर है, रामानुज है, दादू गुरु नानक है, वल्लभाचार्य है, चैतन्य है, आदि है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था, उसे क्या उपाधि दी गई है, तो देखिए चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था, उसे शीरी कलम की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है, उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया, तो यह हड़प्पा संस्कृति आद्य इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है, इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। अगला देखिए आपका, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, सैंधव लिपि क्या है, चित्रात्मक लिपि है जो दाई से बाई ओर लिखी जाती है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है सैंधव लिपि को। नेक्स्ट है आपका, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ पीसनहारी है, सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं, यह कथन प्राचीन भारत के काल के सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है, तो ये ऋग्वेदिक काल को चित्रित करता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे देखिए आपका, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी, तो भक्ति मार्ग की खोज की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था, तो लिच्छवियों की जो राजधानी थी कहाँ थी, अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था जिनकी राजधानी थी वैशाली, राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। आगे देखिए, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर बताइए, दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनाशक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की, इसका क्या अर्थ होता है, तो अशोक मौर्य ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय।
अगला प्रश्न है, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से भारत रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिसकी कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए। फायन की यात्रा विवरण से हमें पता चलता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे और नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए। अगला देखिए, गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया है। तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था, उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था। तुगलकाबाद का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था जिसका उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। खुतबा क्या था इसका महत्व बताइए। तो खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। अगला देखिए, सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था, इसके संस्थापक कौन थे। तो चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला प्रश्न देखिए, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था। बुद्ध का मौलिक नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काश्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बोध संगीति संपन्न हुई थी। तो तृतीय बोध संगीति जो है ये संपन्न हुई थी अशोक सम्राट के समय। अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था। तो चंदेल शासकों ने कराया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था। तो अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक था। अगला है, किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। तो औरंगजेब के समय सबसे अधिक था दोस्तों। नेक्स्ट है, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था। कृष्ण देव राय के शासनकाल में बना था हजारा राम मंदिर। अगला प्रश्न देखिए आपका, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी दोस्तों। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो में मैं एशियन मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कम्प्लीटली वीडियो आपको रीड करना है शुरू से अंत तक, हर क्वेश्चन को लर्न करते हुए चलना है, आपको देखते हुए पढ़ते हुए चलना है। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत जो है ये 622 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है। 20 स्तंभों पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगसनीज के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध है तो असत्य। अगला, किस सामवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आदि चार आश्रमों का वर्णन हुआ है। तो जाबाल उपनिषद में जो है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आदि चार आश्रमों का वर्णन हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी हमें मिलती है। तो मणि मेखले से प्राप्त होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी। अकबर ने दस्तूर उल अमल की जो घोषणा की थी वो कब की थी। तो 1582 ईस्वी में की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था। तो खुर्रम था। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था। खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था।
बलबन के मकबरे में किया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को समर्पित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाबरू में है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में। जयपुर से इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी दोस्तों। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को वेनसांग ने शंकरादित्य कहा है? कुमार गुप्त द्वितीय ने जो है ह्वेनसांग के शंकरादित्य को कुमार गुप्त कहा है। अगला प्रश्न देखिए, बंदायू में स्थित होज ए शमी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? फौतदार। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? 1844 से 1848 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। अगला प्रश्न देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में, लॉर्ड कनिंग के काल में। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला, वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? ये था दारा शिकोह है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख हमें मिलता है? तो 13वें अभिलेख से हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगसनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी दोस्तों? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट कनिष्क जो है ये महायान के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का स्मरण किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुयायियों की स्त्री भैरव है? कापालिकों के स्त्री भैरव है। नेक्स्ट है, कश्मीर स्थित मार्तन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि चार आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जाबालो उपनिषद में जो है चार आश्रमों का वर्णन हुआ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो नेसदी आएगा, नेसदी। अगला प्रश्न देखिए, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है, बताइए किन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? रहमान टेरी और भगत राय। अगला प्रश्न देखिए, अशोक की गांधार ए लघमान के लेख किस लिपि में लिखित है? तो अरमाइक लिपि में लिखित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलका पीएम का लेखक कौन है? प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलका पीएम का जो लेखक है वो कौन है? तोलका पिपियर। अगला प्रश्न देखिए, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? तो आएगा कलुंज या फिर पौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र सूंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था, समिति के सभापति को ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था
जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? तो 6 थी समितियों की संख्या। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी जो है ये शूद्र जाति के थे दोस्तों, शूद्र जाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी दोस्तों? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो अमुक्तमाल्य की रचना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने जजिया नामक कर या फिर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था तो किस वर्ष बंद करवाया था? 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था मदद ए माल कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उसकी उपाधि दी थी? तो उस्ताद मसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं विरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का अधिकार था। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद सालाह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो अमल ए सालेह की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अकबर ने किसको शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? ये अब्दुल सम्मत को जो है शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? तो भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन व्रत की घटनाएं दर्शाते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन देखिए, चांद बीबी किस जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासक थी? यह अहमदनगर की शासक थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट की, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल था? तो यह लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? कुतुब मीनार का मुख्य भाग जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची की मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह पल्लव वंश के नंदी वर्मन नेक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का कहा जाता है प्राचीनतम सिक्कों को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखिए, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो पाल वंश जो है कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? यह 1570 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था? तो यह जियाउद्दीन बरनी ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन देखिए, भूमि की माप के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किया गया था।
नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो आएगा काला शोक के समय जो है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानोत्तर सिक्कों पर अंकित होता था। नूरजहां का नाम जो है फरमानोत्तर सिक्कों पर अंकित हमें मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हाइड स्पीच का युद्ध, इसको वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है, हाइड स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, किसके मध्य हुआ था? ये सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो यह का इब्राहिम गर्दी था, इब्राहिम गर्दी। अगला प्रश्न देखिए, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? ये गोड़ के राजा शशांक द्वारा कटवाया गया। अगला प्रश्न है, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित मिलते हैं? यह का प्रयाग में। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी, अंतिम विजय थी तो ये कालिंजर विजय। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? ये का फरूख सियर ने। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? नटराज शिव की काशी की प्रतिमाएं। अगला प्रश्न है, मेहरुली की अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखली कुशाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक को बंदाई ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने जो है इसको इस्लाम विरोधी कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, तोलका पीएम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मणों के रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य। अगला है, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है यह सिद्धांत था? तो ये रामानुज दर्शन का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के समय गोडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। गोडवाना की स्त्री शासिका थी रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमानी जो व्यक्ति था वो था मुल्ला दो प्याजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेल या फिर अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे? मित्र मेल संगठन के संस्थापक जो थे वो थे वीडी सावरकर। अगला प्रश्न देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था दोस्तों? तो आनंद मठ में जो है संथाल विद्रोह का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो बरसीन की जो संधि है उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, मंडल में 6 समितियां होती थी, यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? तो ये नगर को चलाते थे। अगला प्रश्न देखिए, चिटगांव शस्त्रागार लूट कांड का नेतृत्व किसने किया था? इसका सूरसेन ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी दोस्तों 1830 में। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो कम्प्लीटली वीडियो रीड कीजिएगा।
क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ को द्वाश्रय के नाम से भी जाना जाता है, किस ग्रंथ को द्वाश्रय के नाम से भी जाना जाता है, तो कुमारपाल चरित को जो है द्वाश्रय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता था, तो अध्या व विख कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था, अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है, एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था, ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 1248 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वीपी वाडिया के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिमों एवं भू स्वामियों के चुनाव क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था, देखा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनपुल ने किसके विषय में कहा था उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है, इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है, तेगा हुमायूं के विषय में हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के कौन सा अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है, तो हैगा अशोक के अभिलेख जो है प्रथम पठित अभिलेख है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद की विप्लाद सोनक नामक दो शाखाएं हैं, तो अथर्ववेद की विप्लाद एवं शौनक नामक दो शाखाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस के नामों का तादाद में चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था, तो सर विलियम जॉन्स ने। अगला देखिए, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था, तो अल बरूनी था। अगला प्रश्न देखिए, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की, हरिहर ए बुक्का ने, बौद्ध धर्म की किसी शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था, तो महायान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का प्रथम ए अंतिम शासक था गयासुद्दीन तुगलक व महमूद। अगला प्रश्न है, तारीख ही फिरोजशाही की रचना किसने की दोस्तों, तारीख ही फिरोजशाही की जो रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया, तो कृष्ण देव राय ने। नेक्स्ट है, सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, महावीर की शिक्षाओं में मिलता है त्रिरत्न का उल्लेख। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, तो मीर बख्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, शाहजहां जो है मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला प्रश्न देखिए, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्मासा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा, तो ये कालीकट पहुंचा था वास्को डिगामा। नेक्स्ट, गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई, गांधार शैली जो है ये कुषाण काल के राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसमें मेडिवल और आपकी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।